स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे डिस्टेंस बनने के कारण वाटेज क्यों घट जाता है। तो छोटे से वीडियो में आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, तो पूरा वीडियो जरूर देख। तो सिंपल से हम समझेंगे, तो देख यहाँ पर एक घर है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एक घर है और घर से ठीक 100 मीटर दूर में एक लाइट है। अब लाइट में मैंने वायर लगा दिया, मैंने कॉपर का वायर लगा दिया लाइट में। अभी सप्लाई वोल्टेज है, घर से मैंने सप्लाई दिया है 220 वोल्ट का मैंने सप्लाई दिया है। लाइट है 100 वाट का लाइट है, अभी लाइट फुल ग्लो कर रहा है। लेकिन जैसे ही इस 100 मीटर को मैं 1000 मीटर कर देता हूँ, मतलब 1 किलोमीटर दूर मैं लाइट को जलाता हूँ घर से, तब मेरा लाइट का वाटेज जो है वो घट जा रहा है। घट कर मैं मान ले रहा हूँ 40 वाट हो जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या क्या रीज़न है, कितने तरीके का रीज़न हो सकता है इसके पीछे, तो वही हम जानेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब लाइट 100 मीटर में था तब क्या हुआ था, उसका वोल्टेज हमें पता है कितना, सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्टेज था और लाइट का वाटेज हमको पता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, लाइट का रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला है V² / W, ठीक है। उसी के मदद से हमको क्या मिलेगा, लाइट का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। अभी हमारे पास क्या क्या है, वोल्टेज है, वाटेज है और लाइट का रेजिस्टेंस भी है। तो अगर रेजिस्टेंस है और हमारे पास वोल्टेज भी है, तो हम क्या करेंगे, ये लाइट कितना करंट कंज्यूम कर रहा है ये हम निकालेंगे। तो करंट को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, V/R, ठीक है। तो करंट हमारा कितना निकल गया, 0.4545, तो करंट हमारा निकल गया, ठीक है। अब ये सब कुछ हो गया 100 मीटर में, लेकिन जैसे ही मैं डिस्टेंस को बढ़ा देता हूँ, 100 मीटर से मैंने जैसे ही 1000 मीटर कर दिया, तब क्या हुआ, ये लाइट का ग्लो जो है वो कम हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे देखो ये कारण है, ये वायर, ठीक है। उसके लिए हमें फॉर्मूला जानना पड़ेगा, वायर का जो फॉर्मूला है, ठीक है, R = ρL/A। अब ये क्या है देखो, यहाँ पर है रो मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, मतलब ये वायर जो है, ये वायर किस मटेरियल का बना है, कॉपर का बना है, एल्युमिनियम का बना है या फिर लोहे का बना है। ये एल है लेंथ और ए जो है नीचे, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब जब का जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, मतलब कितना मोटा है, कितना पतला है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब है ए। और R मतलब तार का टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस के साथ L का क्या फॉर्म, मतलब रिलेशन है, मतलब लेंथ का क्या रिलेशन है, R = L, मतलब अगर लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस उसके साथ साथ ही बढ़ेगा, ठीक है। अगर लेंथ घट जाएगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी घट जाएगा, ठीक है। अब R के साथ A का क्या रिलेशन है, R के साथ A का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले वायर था 100 मीटर का, अब क्या हुआ, डिस्टेंस बढ़ के हो गया ये 1000 मीटर का, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया का यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ लेंथ का चेंज हुआ है। और क्या बताया, इस फॉर्मूला से क्या पता चला, अगर L बढ़ेगा मतलब अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। पहले जब वायर 100 मीटर का था तब क्या हुआ, उसका रेजिस्टेंस कम था, लेकिन जैसे ही वायर का लेंथ बढ़ गया तब क्या हुआ, उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो भी उसी के साथ बढ़ गया है, ठीक है। अब जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और आपको पता है अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उस रेजिस्टेंस पर एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। अब मैं पहले क्या बताया था, 100 वाट से लाइट 40 वाट में ग्लो कर रहा है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ इस वायर में, ठीक है, कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो गया, मैं मान लेता हूँ इस वायर में 80 वोल्टेज ड्रॉप हो गया, मेरा सप्लाई वोल्टेज कितना था, 220 वोल्ट, ठीक है। और इस वायर में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, 80 वोल्टेज ड्रॉप हो गया। अगर 220 से हम 80 को माइनस करेंगे तो मेरा मतलब लाइट में कितना वोल्टेज पहुँच रहा है, 140 वोल्ट मेरा लाइट में पहुँच रहा है, ठीक है। अब और हमको पता है लाइट में कितना वोल्टेज पहुँच रहा है, और लाइट का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस भी हमको पता है, लाइट का तो रेजिस्टेंस तो कॉन्स्टेंट है ना। लाइट अगर 100 मीटर में भी लगाऊंगा सेम लाइट, 100 मीटर दूर भी जाएगा तो सेम ही लाइट होगा, तो लाइट का रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट है। तो हमको क्या क्या पता है, लाइट का रेजिस्टेंस पता है और लाइट में कितना वोल्टेज आ रहा है वो वोल्टेज पता है। तो क्या इस फॉर्मूला की मदद से हम वाटेज निकाल सकते हैं, ज़रूर निकाल सकते हैं। वाटेज का फॉर्मूला है V² / R, मतलब
140 का स्क्वायर बाय लाइट का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस। जैसे ही हम इसको कैलकुलेशन करेंगे हमारा लाइट का वाटेज निकल जाएगा, मतलब 40 वाट। अब पहले की कंडीशन में ये जो 100 वाट की बल्ब थी, जब 100 मीटर पे था तब करंट कितना कंज्यूम कर रहा था, 0.4545, ठीक है। तब सप्लाई वोल्टेज भी इसका ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही 1000 मीटर दूर आ गया इसका लाइट का जो ग्लो है वो भी घटकर 100 वाट से 40 वाट हो गया और इसका करंट भी घटकर 0.45 से 0.28 हो गया। तो मेनली यहाँ पर हो क्या रहा है कि लाइट जब 100 मीटर पर था लाइट में 220 वोल्ट कॉन्स्टेंट आ रहा था, ठीक है, इसलिए लाइट 100 में ग्लो कर रहा था। लेकिन जैसे 100 मीटर से 1000 मीटर हो गया तब क्या हुआ, उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया है। अब वायर का जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तब क्या होगा, उस वायर में एक वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 220 वोल्ट से 80 वोल्ट इस वायर में ड्रॉप हो रहा है। अब लाइट में पहुंच कितना रहा है, 140 वोल्ट, ठीक है, पहले 220 वोल्ट पहुंच रहा था अब 140 वोल्ट पहुंच रहा है। अब वोल्टेज जब घट जाएगा तो नॉर्मल सी बात है भाई, वाट भी आपका घट जाएगा, इसीलिए डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ आपका वाटेज भी घट जा रहा है और कुछ नहीं। तो भाई ये छोटा सा नॉलेज मैंने आपको दे दिया, अगर ये वीडियो को देखकर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज हो तो भाई एक लाइक ज़रूर करना। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सतर्क रहें।